480 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस कार्यक्रम को और बल देने के लिए आप लोग हैं यहाँ पर। और सेक्टर संयोजक 82 पीपल आर देयर, 82 सेक्टर, और प्रभारी ऑल्सो 82। बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर, आपके कुछ कहने के लिए अवसर मिला। आप लोग कभी आए हैं ऐसा? नहीं, तो पहली बार हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको मिलने का, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग जीत जाते हैं, फिर पार्लियामेंट भी पहुंच जाते हैं। लेकिन भैया देखो, इतने लोग इस कार्यक्रम में देखने के लिए आए, आपका थोड़ा थोड़ा दूर से, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप लोग आए हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम जीत जाते हैं, फिर यहाँ का सांसद भी बनने का अवसर मिल जाता है, और यहाँ पे ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर मिला। हमेशा दो बार आप लोगों की वजह से मैं आई हूँ। पिछले बार जब मैं सांसद बन गई थी, जो मेरे जितने भी बूथ अध्यक्ष, जितने भी आपके कार्यकर्ता ने काम किया था, इस लोगों को सामने आमने सामने मिलने का अवसर मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। मैं इस बार तीसरी बार मुझे टिकट मिला है प्रत्याशी के रूप में, अभी आप सबके सामने हूँ। दो बार सांसद रहने के बाद तीसरी बार सांसद बनने की इच्छा के साथ आपके सामने हूँ, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे जिताएंगे। जिताएंगे जरूर, लेकिन बात यह है कि कितना परसेंटेज के साथ आप हमें जिताने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। आप सब में बहुत उत्साह है, उल्लास है। यस श्योर, बहुत मिलकर चलना है, और 26 तारीख को वोट दिलाना है, कि उस तब तक आपको अपना सेहत सब एकदम फिट रखना है। घर जाना होगा, सबको बुलाना होगा, घर में से सब लोगों को बताना होगा, आपका ये काम है। बहुत मुश्किल का काम है, ये हमेशा प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, वो हमेशा जो भी भाषण करते हैं हम लोगों के लिए भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, हमेशा कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान देते हैं। वो हमेशा कहते हैं उनकी वजह से हम लोग जो भी हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस आपको दिया जाता है। मुझे खुशी है कि मैं तीसरी बार मुझे अवसर मिल रहा है ब्रजवासियों की सेवा करने का। भगवान श्री कृष्ण की इस धरती पर तीसरी बार रहना एक बहुत बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और राधा रानी की इच्छा से मैं हूँ यहाँ पर। कहते हैं ना, आप लोग ब्रजवासी हैं, सुनिए एक मिनट, आप लोग ब्रजवासी हैं, आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि राधा रानी की अनुमति के बिना ब्रज में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, करेक्ट है? तो यही मैं भी मानती हूँ इस बात को। तो इस बार मुझे अगर मुझे वापस चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, तो इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पर विश्वास करके मुझे वापस इस चुनाव में लड़ने का अवसर दिया है। इसका संपूर्ण करेंगे आप लोग, मैं तो तैयार हूँ। आप जैसे जैसे कहाँ जाकर मिलना है, जाकर मीटिंग्स अटेंड करना, वो सब कुछ मैं भी करूँगी, लेकिन ये उद्देश्य यही है कि यहाँ का विकास और करना है। जितना किया उतना कम है, वो तो मन में तो बहुत इच्छा होती है कि बहुत कुछ करना है, क्योंकि हम देश विदेश भी जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, आप लोग कंपेयर करके देखिए कि फॉरेन कंट्री में कैसा, एक छोटी सी जगह पर कैसा रखा हम लोगों ने। लाइक इटली में जाएंगे तो फ्लोरेंस वगैरह है, फ्लोरेंस रोम इटली ना, वहाँ पे एक एक जगह को बहुत सुंदर सा रखा हुआ है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे भी टूरिज्म बढ़ेगी, इतना बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा बहुत सारी इच्छाएं हैं कि वो मैं करना चाहती हूँ यहाँ पर इस तीसरी बार रहकर, ब्रज 84 कोस परिक्रमा का मार्ग को स्वच्छ
करना है, उसमें सुविधाएं देनी है और यमुना की शुद्धिकरण करनी है और बहुत सारे रेलवे माध्यम से उनको करना है। यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक जो बना था मथुरा वृंदावन के में, उसका रोड का करके उसके बाद उसमें एक मेट्रो जैसा एक पिलर लगा के ट्रेन का भी हम करने का सोच रहे हैं, ताकि आप सब लोगों को अनुमति के साथ, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप सब लोगों से पूछ के करेंगे, क्योंकि पूछे बगैर करने से प्रॉब्लम होता है आप लोग रोड दे देंगे आपको, है ना। तो ऐसे हैं कि यहाँ पे जाने का रास्ता चाहिए, यहाँ से जाइए, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, उसको समझ कर हमें भी उस काम को आगे बढ़ाना है ऐसा। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर मथुरा का बहुत ही ब्रज कला जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको और भी आगे बढ़ाना है ताकि वर्ल्ड में से लोग आकर हमारे यहाँ आकर देखें। और बहुत सुंदर सर थिएटर्स भी बनाए हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कलाकार हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे कलाकार हैं हमारे स्थानीय कलाकार, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए भी एक अच्छा सा थिएटर भी बना हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है मुझे करना है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लेकर आ रही हूँ, आई हूँ, वो सब अभी काम शुरू होगा। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं पिछले कई सालों से, 20 नहीं 25 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ। जब मैं शुरू में यहाँ का विनोद खन्ना जी जानते हैं, वो बहुत बड़ा एक्टर थे गुरदासपुर से, वो बीजेपी में थे, उनकी वजह से मैं उनका प्रचार करने के लिए गई थी गुरदासपुर पंजाब में। तब से शुरू हुआ मेरी ये जर्नी। उसके बाद मैं अटल जी के समय में भी मैं थी, उनसे मुलाकात भी हुई, वो जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे उस वक्त उनका भी मैंने प्रचार किया है। तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता सब हैं हमारे बीजेपी के, उनके बीच में रही हूँ और तब से मैं बीजेपी को देख रही हूँ कैसे आगे बढ़ते बढ़ते